आज की स्टोरी में हम एक्सप्लेन करेंगे विलेज ऑफ द डिमांड। सुबह 10 बजे एक गांव की सभी जिंदा चीजें अचानक मर जाती हैं। ये कैसे हो सकता है और उसके बाद होने वाली सभी अनजान और रहस्यमय घटनाओं से लोग कैसे निपटेंगे, आइए मूवी में देखते हैं। मिडविच के छोटे से गांव में लोग एनुअल विलेज फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। पूरा गाँव इस फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड था, खासकर जिल जो प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल है। जैसे ही घड़ी में सुबह के 10 बजते हैं, रहस्यमय तरीके से गांव के सभी लोग और जानवर अचानक बेहोश हो जाते हैं। जिल का हस्बैंड फ्रैंक गांव की तरफ आ रहा था, वो भी गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हो जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर वहाँ अथॉरिटीज आती है ये समझने के लिए कि आखिर इस गाँव में हुआ क्या था। तभी एलन वहाँ पहुँचता है, जो इस गाँव का लोकल डॉक्टर है। लकीली वो बाहर गया था, उसे अपनी वाइफ बारबारा की फिक्र हो रही थी, जो अभी गाँव में ही है। एलन की मुलाकात एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट सुसान से होती है, जो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने आई थी। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं, रहस्यमय तरीके से वहाँ के सभी लोग जाग जाते हैं। मिलिट्री आती है ये जानने के लिए आखिर हुआ क्या है, और थोड़े ही समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद गांव की ज्यादातर औरतों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, एक ऐसी औरत भी जिसने काफी समय से कोई सेक्स नहीं किया था। इससे गांव के लोग ज्यादा परेशान और डर गए थे, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो सभी प्रेग्नेंट औरतों को सपोर्ट करेगी। और ये बात सुसैन उन्हें बताती है, जो भी औरतें बच्चों को जन्म देना चाहती हैं, वो बच्चे के जन्म तक कवर होंगी। साथ ही उन्हें $3,000 हर महीने और फ्री मेडिकल चेकअप मिलेगा। गाँव की होने की वजह से सभी औरतों को बच्चे की वैल्यू पता थी, इसलिए सभी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं सभी औरतों के लिए प्री डिलीवरी क्लासेस भी रखी जाती हैं। जब डिलीवरी का समय आता है, मेडिकल सेंटर्स बहुत बिजी हो जाते हैं। एक एक करके 5 लड़के होते हैं और लड़कियां पैदा होती हैं। लेकिन एक औरत मेलानी को मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। सुजान चुपचाप बच्चे की लाश लेकर लैब में चली जाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बाकी नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा थी और उन सभी बच्चों के बाल ब्राउन थे। जिल का बेटा डेविड जल्दी अपना नाम लेता है। एक सुबह बार-बार अपनी बेटी मारा के लिए सूप बना रही थी, लेकिन बच्ची को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूप बहुत गर्म था। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी माँ को अपनी हरी आंखों से कंट्रोल करती है और बार-बार अपना हाथ बॉयल सूप में डाल देती है। हॉस्पिटल में एलन उसके बारे में पूछता है, लेकिन बार-बार को समझ नहीं आता कि उसे इस बारे में कैसे समझाए। इस इंसिडेंट के बाद बार-बार डिप्रेस रहने लगी और वो एक दिन पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। इतना ही नहीं, गाँव में और भी रहस्यमय घटनाएं और मौत होने लगी। माँ बाप अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, इसलिए मान नहीं पा रहे थे ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं, सभी सातों अपना पेयर बना लेते हैं, डेविड को छोड़कर, क्योंकि उसकी पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। समय समय पर सभी अपने पावर दिखाते रहते हैं। एक बार जब बच्चे आई चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर गलती से एक लड़की की आंख को हट कर देती है। मारा तुरंत अपनी पावर से डॉक्टर के दिमाग को कंट्रोल करती है और डॉक्टर को खुद के हाथों से ही अंधा बना देती है। प्रिंसिपल होने के नाते जिल को लगता है इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है। वो एलन को अप्रोच करती है, जो उन्हें जनरल बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में सिखाएं। लेकिन एलन जिल को तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन दूसरे बच्चों से अलग गर्ल पार्टनर ना होने की वजह से डेविड अपनी माँ जिल के साथ एक बॉन्ड बना पाता है। कुछ दिन बाद डेविड डिसाइड करता है वो मरी हुई बच्ची के कब्र पर जाएगा। वहाँ उसे मेलानी मिलती है, जो अपनी बच्चों की मौत के दुख से उबर नहीं पाई। उसके जाते समय डेविड देखता है मेलानी ने सुसाइड करने का मन बना लिया है। बारबारा की कब्र पर एलन आता है, जहाँ उसे डेविड दिखाई देता है। वो डेविड को बताता है उस बच्ची को यहाँ दफनाया नहीं गया। डेविड एलन से बारबारा की डेथ के लिए सिंपैथी दिखाता है, जो बाकी बच्चे नहीं करते। इस पॉजिटिव एनकाउंटर के बाद एलन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। जब एलन उन्हें पढ़ा रही थी, तभी जिल उन्हें बुलाती है। बच्चे एक साथ बुक खोलकर खुद ही पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्लीनर आता है, वो गांव की घटनाओं के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहा था। तभी वो एक बच्चे को अपनी झाड़ू से हिट कर देता है, जिससे बच्चे को लगता है वो खतरे में है। तभी उन सब की आंखें ग्रीन हो जाती हैं, डेविड को छोड़कर। तभी सभी बच्चे क्लीनर को अपनी आंखों से कंट्रोल करके सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो आदमी बिल्डिंग की छत से कूद जाता है। एलन और जिल उन्हें बचाने दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे क्लासेस छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जिल और एलन को यकीन हो जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। अगले दिन एलन सुजैन से मिलता है। उनका मानना था गांव में होने वाली सभी रहस्यमय घटनाओं और मौतों के पीछे वही बच्चे हैं। यहां सुजैन बताती है बच्चों के पैदा होने के बाद से गांव में 30 लोगों ने सुसाइड किया है। सुजैन एलन को इससे भी खतरनाक बात बताती है। दरअसल ये सिर्फ मिडविच में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे यूरोप और एशिया के कई आइसोलेटेड गाँव में भी सेम चीजें हुई है। लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कई सालों से CIA लगा हुआ है। उसे लगता है कि बच्चों के अंदर
जेनेटिक घोस्ट एलियन है जो दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद सुजैन एलन को अपने सीक्रेट लैब में लेकर आती है। यहाँ देखकर एलन शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ उस बच्ची की लाश थी जो मरी हुई पैदा हुई थी, लेकिन देखने में बिल्कुल एलियन थी। वो एलन को बच्चों की साइकिक एबिलिटी के बारे में याद दिलाकर कहती है, बच्चों को कभी अपना दिमाग पढ़ने नहीं देना। एलन उस पर भड़क जाता है क्योंकि उसे इतने समय से सच्चाई छुपा कर रखी है। वो कहती है कि अपने थॉट्स को उन बच्चों से प्रोटेक्ट करना। जब तक उसकी थ्योरी प्रूव नहीं हो जाती, सुजैन एलन से अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए मदद मांगती है ताकि बच्चों से होने वाले खतरे को कम कर सके, लेकिन एलन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर में मारा एलन को वार्न कर रही थी, वो उसको उसके ग्रुप से अलग करने की कोशिश ना करे क्योंकि चीजें इसमें और खराब हो जाएंगी और अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता और ना ही चोट पहुंचा सकता है। साथ ही मारा उसे बताती है सभी बच्चे लोकल वेन में जा रहे हैं, वे सभी वहीं रहेंगे जैसे उसे सुजैन ने बताया था। अपना दिमाग मारा को वो पढ़ने नहीं देता और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर रात में एक एक करके सभी बच्चे वेन में आते हैं। डेविड का वेन में जाने का मन नहीं था। जिल उससे कहती है वो उनके साथ ना जाए क्योंकि वो सभी से अलग है। डेविड के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो चला जाता है। अगले दिन एक आदमी वैन के पास अपनी बेटी को ढूंढते हुए आता है। उसकी बेटी उन बच्चों में से एक है। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपनी कार एक फ्यूल टैंक से टकरा देता है जिसके धमाके की वजह से वो मारा जाता है। सुजैन एलन को आकर बताती है गवर्नमेंट ने किसी भी कीमत पर उन बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाया है और मिलिट्री जल्दी यहां आ जाएगी और सभी गांव वाले जितनी जल्दी हो सके गांव खाली कर रहे हैं। एलन वैन में जाकर बच्चों से बात करता है। वो बच्चों को ये सब खत्म करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और उनसे बात करके उसको समझ आता है कि बच्चों को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, वो लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। और उनकी ये हरकत देखकर वो समुद्र के बारे में सोचकर अपने थॉट्स उनको पढ़ने नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था मारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करेगी और उन्हें गवर्नमेंट के प्लान के बारे में पता चल जाएगा। अगले दिन मारा डेविड से सिंपैथी और उसके लविंग नेचर के बारे में बात करती है क्योंकि उनकी कॉलोनी में ये सब भावनाएं अलाउड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चर्च के पैस्टर ने मारा के सर पर निशान लगाया था ताकि वो उसे मार सके, लेकिन बाकी चार बच्चों ने उन्हें देख लिया था। फिर वो पैस्टर खुद ही अपना भेजा उड़ा देता है। पोस्टर की मौत से गांव वाले भड़क जाते हैं और रात में उन बच्चों को मारने निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ बच्चे रास्ते में देखते हैं। उनमें से एक औरत उन्हें भला बुरा बोलती है, वो उसे भी कंट्रोल करते हैं और वो खुद को ही जिंदा जला देती है। सुजैन आर्मी के आने से पहले गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके सामने एक लड़के के साथ डेविड और मारा वहां खड़े थे। वो उन्हें अपना दिमाग पढ़ने से कवर कर लेती है ताकि उन्हें गवर्नमेंट का प्लान पता न चल जाए। फिर तीनों सुजैन की लैब में जाते हैं जहां डेविड अपने पार्टनर की डेड बॉडी देखता है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मारा सुजैन को फाइनली कंट्रोल कर लेती है। फिर सुजैन मेडिकल नाइफ से खुद को मार लेती है। दूसरी तरफ एलन अपनी कार में डायनामाइट रखता है ताकि वो उन शैतान बच्चों से पीछा छुटा सके। प्लान के मुताबिक पुलिस और मिलिट्री आ चुकी थी तो एलन स्कूल में जाकर जेल से मिलता है। वहाँ वो उसे बताता है कि बच्चों को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। एलन अकेले ही करने वाला था, इसलिए वो जिल को एक रूम में लॉक कर देता है। जिल उससे मिन्नतें करती है डेविड को कुछ न करे क्योंकि वो बाकियों से अलग है। फिर बैन के पास एक पुलिस की कार आती है। मारा और बाकी बच्चे उस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं और वो आ रही बाकी पुलिस की कार को शूट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री सोल्जर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद डेविड अपने फ्रेंड के द्वारा किए गए नरसंहार से डर गया था। दूसरी तरफ जिल भी दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाती है और डेविड को बचाने भागती है। रात की तरह अपनी क्लासेस लेने के लिए एलन बच्चों के पास आता है। प्लान के मुताबिक शैतानी बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसमें डायनामाइट लेकर आता है जिसे वो क्लासरूम में सेटअप कर देता है। जिल डेविड को छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी, इसलिए डेविड को अपनी कार में बुक लाने बाहर भेज देता है, लेकिन मारा उसके ऐसे अजीब बर्ताव को नोटिस कर लेती है। फिर सारे बच्चे एक साथ एलन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां जिल आती है। मारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो मारा को धक्का देकर गिरा देता है और वो अपनी माँ के साथ बाहर चला जाता है। एलन इधर अपने दिमाग में दीवार के बारे में इमेजिन करके एक वैरियर बना लेता है ताकि बच्चों को बम का पता न चल जाए। एलन जिल को जल्दी से डेविड को बाहर ले जाने के लिए चिल्लाता है। आखिर में बच्चे एलन का दिमाग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बम ब्लास्ट होता है जिससे बच्चों के साथ एलन भी मारा जाता है। बाहर डेविड और जिल बच जाते हैं। जिल डेविड से कहती है हम ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें कोई पहचानता ना हो। फिर डेविड को बाहर दिखाते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।